एक बार भगवान बुद्ध एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि से देखो तो यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात को बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। लेकिन किसी ईर्ष्यालु मनुष्य ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है, तो कोई भी व्यक्ति उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। यह बात राजा को मालूम पड़ते ही राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा, तो वह सही सही पूरी बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। तभी राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए तो उस व्यक्ति से भी मिले। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वही थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उस व्यक्ति को जेल से निकालकर बुद्ध के पास ले जाया गया। फिर वह उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। फिर बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। फिर वह उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, अपने मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, ना कि मिले हुए धन पे।